हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की डेट्स आ चुकी हैं और उसके बाद सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स होंगे, सीपीओ के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं मार्च मंथ में। तो इन सभी को देखते हुए मैं ये प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस को अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। तो इसको आप ज़रूर देखें, और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर तो मेरे आप फ्री ब्लॉग ज़रूर पढ़ें examinee.in वेबसाइट पर। तो इन ब्लॉग से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ये सेट 24 है और ये एग्ज़ाम हुआ था 17/8/2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी एग्ज़ाम में, इंग्लिश सेक्शन में, और किस तरीके से उनको अप्रोच करना है और सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट। देखिए, ड्रिप का क्या मतलब होता है? ड्रिप का मतलब होता है टपकना, ठीक है? तो पानी टपक रहा था ट्रीज से और ग्रास जो थी वो वेट थी, वो गीली थी। तो यहां पर देखिए, ट्रीज एक वर्ड आया है और ट्रीज से पानी टपक रहा था, तो यहां पर एक सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आता है इंग्लिश सेक्शन में, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सेपरेशन को इंडिकेट करने के लिए हम इस ऑफ को प्रयोग नहीं करते, इसके स्थान पर हम OFF ऑफ का प्रयोग करते हैं। या तो आप ऑफ बोल सकते हैं, OFF ऑफ, या आप फ्रॉम बोल सकते हैं। तो वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज, यानी यहां पर इन प्लेस ऑफ दिस OF यू हैव टू राइट OFF ऑफ, ठीक है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर वन का, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा आपका बी, क्योंकि ये बी पार्ट में है। तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप पूरा देखिए, बीच में स्किप ना करें, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपको बताऊंगा और एक ग्रेट ऑफर के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो पूरा देखिए इस वीडियो क्लास को। प्रवीण सेट अप ऑन द सोफा विद हिज लेग्स टक डाउन हिम। इस सेंटेंस का ये मतलब निकल रहा है कि प्रवीण सोफा पे बैठा हुआ था और अपने पैर उसने अंदर किए हुए थे, अंदर करके कंफर्टेबली बैठा हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम टक्ड अप बोल सकते हैं, टक्ड अप अंडर हिम बोल सकते हैं, टक्ड डाउन हिम नहीं, टक्ड अप अंडर हिम, ठीक है? तो ये जो फ्रेज यहां पर यूज हुआ है ये गलत है, और इसके स्थान पर आप बोलेंगे टक्ड अप अंडर हिम। सी इसमें आपका आंसर होगा। ये कुछ फिलिप्स के क्वेश्चन है। एट नाइट द हंग्री ऑर्फन वुड स्नीक इनटू द किचन एंड टाइनी अमाउंट ऑफ फूड। अब यहां पर मैं कुछ आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, वुड के बाद यहां पर स्नीक लगा हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो कि सही है। अब यहां पर एंड लगा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि यहां पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि एंड के द्वारा दो इक्वल क्वांटिटी को या इक्वल एंटिटीज को आप जोड़ते हैं एंड के द्वारा, ठीक है? जैसे ही डांसेस एंड सिंग्स, तो दोनों में ही मैं एस लगाऊंगा। तो चूंकि यहां पर वुड के बाद स्नीक लगा हुआ है, इसलिए यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है? अब देखिए, इलिमिनेट कैसे करते हैं। प्रेफर के बाद क्या आता है? टू आता है, तो टू तो यहां पर लगा नहीं है, तो इसलिए प्रेफर इसमें नहीं आएगा, ठीक है? लिफ्टर क्या है? लिफ्टर एक नाउन है, लिफ्टर का मतलब होता है उठाने वाला, तो नाउन तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि यहां पर आपको वर्ब चाहिए। डिफर के बाद फ्रॉम आता है, फ्रॉम इसमें है नहीं तो डिफर नहीं आएगा। पिल्फर क्या है? वर्ब भी है, और पिल्फर का मतलब होता है छोटी मोटी चीज की चोरी करना। तो उसी के सेंस में यहां पर हम बोल रहे हैं कि एक हंग्री ऑर्फन था, एक अनाथ बच्चा था जो भूखा था, और रात में वो क्या करता था? चोरी छुपे किचन में जाता था और टाइनी अमाउंट ऑफ फूड्स को लेके आता था, उसकी चोरी करता था। तो पिल्फर का अर्थ होता है छोटे अमाउंट की, एक ऐसी चीज की जिसकी जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो एक टाइनी जिसकी वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं पिल्फर। तो पिल्फर का यहां पर यूज होगा और डी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। एज द ओनली पर्सन इन द वैकी फैमिली द सेंसिबल गर्ल फेल्ट लाइक द ऑड वुमेन आउट। अब यहां पर यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो इस सेंटेंस का मतलब यह है कि वैकी फैमिली थी, वैकी फैमिली थी मतलब एक क्रेजी या सनकी टाइप की एक फैमिली थी, और वैकी का उल्टा उल्टा होता है सेंसिबल। देखिए, यहां पर एक आया है ऑड वुमेन आउट, एक ऑड वुमेन आउट का मतलब यह है कि पूरी की पूरी फैमिली जो थी उसमें सनकी लोग थे, पागल लोग थे, लेकिन उसमें एक जो लड़की थी वो सेंसिबल थी, वो समझदार थी। एज द ओनली सेंसिबल पर्सन इन द वैकी फैमिली द सेंसिबल गर्ल, अब सेंसिबल तो यहां पर आ ही चुका है, और सेंसिबल सेंसिबल का यहां पर आपको सिनोनिम चाहिए, एक्चुअली यहां पर आपको सेंसिबल का सिनोनिम चाहिए, और सेंसिबल का जो सिनोनिम होता है वो होता है सेन। सेन का अर्थ होता है सेंसिबल, इनसेन का अर्थ होता है पागल या इनसेंसिबल, वेन का अर्थ होता है व्यर्थ, और मीन का अर्थ होता है प्रमुख। तो सेन यहां पर आपका सही आंसर होगा, सी इसमें आपका सही आंसर होगा। वैकी का अर्थ होता है
क्रेजी या मैड या सन की, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं एक ऑफर अपने सभी एसएससी स्टूडेंट्स को देने जा रहा हूं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप एसएससी के लिए सीरियस हैं तो आप इस ऑफर को ले सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए, ये मेरा सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है एसएससी एग्जाम के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए। इसमें मैंने पहले ये कोर्स क्रिएट किया था जिसका प्राइस 1699 रुपये था, ये एक कोर्स। अब इसमें मैं कुछ ऑफर दे रहा हूँ, इसी प्राइस में 1699 रुपये में मैं टीयर वन के साथ आपको टीयर टू और टीयर थ्री का भी पूरा पढ़ाऊंगा। ये एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, इसको आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, और इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको दे रहा हूँ। इसमें मैं 6 मंथ की फ्री वैलिडिटी दूंगा, यानी ये कोर्स आपका 1 साल तक चलेगा इसी प्राइस में 1699 रुपये में। इसके साथ में 6 ई बुक्स आपको भेजूंगा, वोकेबलरी ई बुक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो सोल्यूशन का एक कोर्स है जिसमें 43 सेट और करीब 2000 क्वेश्चन को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल में, वो पूरा फ्री मिलेगा आपको इसमें। तो ये सारे इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को यदि आप पूरा देखते हैं, सारे वीडियोस को कई कई बार आप देखते हैं और पूरा करते हैं इसको, तो 90% मार्क्स की मैं आपको इसमें गारंटी दे सकता हूँ, टीयर वन में, टीयर टू में और टीयर थ्री में। और ये ऑफर केवल 1 फरवरी तक वैलिड रहेगा, यानी आज और कल केवल 10 बजे तक ही इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस लिंक से आप इंस्टामोजो पेज पर जाएंगे और वहाँ से इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे। ये पूरा वीडियो कोर्स मेरी वेबसाइट पर चलेगा, examini.in वेबसाइट पर, यहाँ पर इस कोर्स को आप लॉगिन करके, लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम भेजेंगे आपको, तो लॉगिन करके इसको आप देख सकते हैं। और एक ही वीडियो कितनी बार आप देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं और किसी भी टाइम देख सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स इसमें आपको रहेंगे, पूरा इंग्लिश सेक्शन इसमें आपका कवर होगा, टीयर वन, टीयर टू और टीयर थ्री, और इधर उधर कहीं भी भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी बुक्स जो मेन मेन बुक्स हैं एसएससी की, वो सारी इसमें कवर होंगी आपकी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिकेंसी का क्या मतलब है। पिकेंसी का अर्थ होता है मसालेदार। इस पूरे वीडियो क्लास पे आप एक डेमो क्लास की तरह भी देख सकते हैं, यदि आप वीडियो कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो डेमो क्लास की तरह भी इसको आप एक देख सकते हैं। पिकेंसी का अर्थ होता है मसालेदार या स्पाइसी। स्पाइसीनेस का इक्वल है पिकेंसी, यानी सिनोनिम इसका जो होगा वो होगा फ्लेवरिंग। ब्लेंड का क्या मतलब है। ब्लेंड का अर्थ होता है फीका या टेस्टलेस। इंस्पिट का मतलब भी फीका या टेस्टलेस। टीडियस का मतलब थकाऊ। तो फ्लेवरिंग यहां पर इसका सही आंसर होगा पिकेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का अर्थ होता है सामना करना, किसी व्यक्ति से सामना करना, किसी व्यक्ति या वस्तु से। तो अवॉइड का अर्थ तो होता है बचना, तो अवॉइड तो इसका उल्टा हो जाएगा। डॉज का अर्थ भी बचना होता है, तो ये उल्टे हो जाएंगे। ईल्ड का मतलब समर्पण करना होता है। अकॉस्ट इसका सही आंसर होगा। अकॉस्ट का अर्थ होता है आपका कन्फ्रंट करना, किसी व्यक्ति या वस्तु का सामना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एंटोनिम है सेवंथ। ये कई बार रिपीट हो चुका है वर्ड सेवंथ। सेवंथ का अर्थ होता है एक डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति, एक लर्नेड व्यक्ति, जिसको अपनी अपने सब्जेक्ट की एक प्रोफेशनल इन डेप्थ नॉलेज है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेवंथ। तो सेवंथ का एंटोनिम क्या होगा, अमेच्योर। अमेच्योर मतलब जो प्रोफेशनल नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, जो किसी काम को अभी शुरू कर रहा है, उसको हम बोलते हैं अमेच्योर। तो अमेच्योर इसका जो होगा, ये इसका एंटोनिम होगा। अकेडमिक, पंडित। एग हेड का मतलब होता है क्लेवर व्यक्ति, एग हेड। लेकिन क्लेवर होना अलग है और लर्नेड होना अलग है, ठीक है। तो सेवेंट का यहाँ पर एंटोनिम पूछा जा रहा है, एंटोनिम होगा इसका अमेच्योर। चलिए आगे देखते हैं, टू इंडाइट। इसको इंडिक्ट नहीं पढ़ते, इसको इंडाइट पढ़ते हैं, ये वर्ब है। नाउन इसका होगा इंडाइटमेंट, यानी आरोप लगाना। तो अरेन का अर्थ भी आरोप लगाना है। सेंसर का मतलब क्रिटिसाइज करना है। इम्पीच का अर्थ भी, ये पॉलिटी में यूज होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। और एक्सोनरेट का मतलब है किसी व्यक्ति को बरी करना। तो इंडाइट और एक्सोनरेट, ये अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। तो एक्सोनरेट इसका सही आंसर यहां पर होगा। इडियम फ्रेज देखते हैं, टू हैव बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मतलब आपने बिटन, बिटन ऑफ का मतलब काटना, च्यू का मतलब चबाना, मतलब आपने उतना ज्यादा चबा लिया जितना आप बाइट नहीं कर सकते, या बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब आपने उतना काट लिया जितना आप चबा नहीं सकते। इसका इसका मीनिंग ये निकलता है कि आपने इतनी सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली जिनको आप हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट आंसर क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट ऑप्शन क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट होगा टू हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफिकल्ट। तो सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आउट ऑफ प्रिंट का क्या मतलब है। आउट ऑफ प्रिंट का मतलब है जब कोई चीज़ अनअवेलेबल होती है पब्लिशर के पास, और वहाँ से, तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ प्रिंट। ये बुक आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब इसकी जितनी भी कॉपीज थी वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है।
तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई एम हैविंग टू मच फन। आई एम हैविंग टू मच फन, देखिए हैविंग को आप ओन करने के लिए, किसी चीज़ का पजेशन दिखाने के लिए, ओन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं हैविंग को। लेकिन जब आप ओन करने के लिए किसी चीज़ को यूज करते हैं तो उसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हैव को यूज़ करते हैं तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ हैविंग टू यहाँ पर आएगा हैविंग, आई एम हैविंग टू मच फन, मतलब मैं काफ़ी सारा मौज मस्ती कर रहा हूँ और उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो आई एम हैविंग टू के स्थान पर, टू तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि टू टू ये साथ में नहीं आते, तो इन प्लेस ऑफ हैविंग टू इसके स्थान पर आप कर सकते हैं हैविंग। ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। ये रियल क्वेश्चंस हैं, ये 2017 का सेट 24 है और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस प्री में तो बिल्कुल भी कठिन नहीं आते, सरल क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट वुड द कैवलरी डूइंग आउट हियर, मतलब कैवलरी एक होती है इन्फेंट्री, एक होती है कैवलरी। कैवलरी मतलब जो जो घोड़ों पर जो सेना होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंट्री मतलब फुट पर जो सेना होती है। तो वुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ड, वुड के साथ वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसमें तो आईएनजी फॉर्म लगी है। लेकिन बी के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, यदि आप बोलें कैन बी, माइट बी, शुड बी, मे बी, ही माइट बी थिंकिंग, ही माइट बी गोइंग, तो मे बी, माइट बी, कुड बी, शुड बी, इनके साथ आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म होती है। तो इसलिए यहाँ पर आप वुड के, यहाँ पर आप डूइंग के स्थान पर कर सकते हैं बी डूइंग। व्हाट वुड द कैवलरी बी डूइंग आउट हेयर, ठीक है, ये आई एन जी फॉर्म है, इसको बी के साथ आप लगा सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर होगा ए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन हैं, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज ओरिजिनली। सेम वर्ड्स में किसी चीज को कॉपी करना, इसको हम बोलते हैं वर्बेटिम। वर्बेटिम इसका आंसर होगा। ऑफ बीट का अर्थ होता है जो चीज ट्रेडिशनल नहीं है, जो थोड़ा हटके है उसको हम बोलते हैं ऑफ बीट। डाइवर्जेंट का मतलब ये रोड के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अलग अलग डायरेक्शन में एक रोड यहाँ जा रही है और एक रोड यहाँ जा रही है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट या खिलाफ। तो वर्बेटिम इसका यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियन, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सेप्टेड ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो जो डाउट करता है किसी भी चीज को, क्वेश्चन करता है, उसको हम बोलते हैं स्केप्टिकल या स्केप्टिक। एडियरेंट मतलब जो किसी चीज को फॉलो करता है, ओबे करता है। जीलट मतलब जो बहुत ज्यादा उत्साही है। ठीक है, डिसाइपल मतलब चेला या शिष्य। तो स्केप्टिकल यहां पर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिदरिंग का क्या मतलब है। देखिए यहां पर मैं दो वर्ड्स आपको बता देता हूं, एक होता है डिदर और एक होता है विदर। एक होता है डिदर और एक होता है विदर। ठीक है, तो डिदर का क्या मतलब है, डिदर का मतलब होता है कि हेजिटेट करना। तो इसलिए डिदरिंग का मतलब होगा यहां पर इनडिसाइसिव होना। डिदरिंग का मतलब इनडिसाइसिव होना। विदरिंग, विदर का मतलब होता है मुरझाना या कम होना किसी चीज का। तो डिदरिंग की स्पेलिंग, इसमें डबल ई नहीं आता, डिदरिंग की स्पेलिंग है डी आई टी एच ई आर आई एन जी, ये इसकी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रॉटल। थ्रॉटल जो वर्ड है ये थ्रॉट से बना है, गला। थ्रॉटल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को स्ट्रेंगल करना, गला घोंटना उसका। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है। थ्रॉटल मतलब जो उसका फ्लो होता है पेट्रोल का या डीजल का, उसको उसको कंट्रोल करने वाली एक डिवाइस होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रॉटल। टी एच आर ओ डबल टी एल ई डी, तो यहाँ पर इसका डी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये है पैराजंबल के क्वेश्चन, और पैराजंबल के क्वेश्चन सिंपल लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। देखिए सेंसिटिव के बाद हम टू लगाते हैं, तो एक्स आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। आर यहाँ पर लगा हुआ है, इज एम आर के बाद आप क्या लगाएंगे किसी भी सेंटेंस में, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्ट, दे आर इंथुजियास्टिक। आर के बाद आप एडजेक्टिव लगाएंगे, तो आर के बाद इसमें इंथुजियास्टिक आ जाएगा यहाँ पर, तो ये सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा, यानी एक्स वाई जेड इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। बट दिस डजेंट मीन, डजेंट मीन, देखिए यहाँ पर दिस सब्जेक्ट है, डज नॉट, ये सब्जेक्ट है, ये दिस सब्जेक्ट है आपका, आपका यहाँ पर डज नॉट मीन ऑब्जेक्ट है, सॉरी डज नॉट मीन यहाँ पर वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब, और अब आगे आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप क्या लगा सकते हैं, नाउन लगा सकते हैं या नाउन नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज लगा सकते हैं। तो नाउन क्लॉज नॉर्मली दैट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बट दिस डज नॉट मीन वॉट, डज नॉट मीन दैट द रेफरेंस ऑफ मेंटल, मेंटल के साथ, मेंटल एक एडजेक्टिव है तो इसके साथ नाउन को जोड़ेंगे, नाउन है इसमें फिनोमिनाउन, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, ये फर्स्ट हो जाएगा। बट दस डज नॉट मीन दैट द, नहीं नहीं हाँ, बट दिस डज नॉट मीन दैट द रेफरेंस ऑफ मेंटल, ये हो जाएगा सेकेंड, यानी जेड एक्स वाई इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा इसमें बी, ठीक है। द ट्रेवल एजेंट इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस, ये एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आपको चेंज करना पड़ता है। ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। द ट्रेवल एजेंट ये इसमें सब्जेक्ट है, इज मेकिंग ये इसमें वर्ब है, और ऑल द रिजर्वेशन ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, यानी सेंटेंस ऑल द रिजर्वेशन से स्टार्ट होगा, और ऑल द रिजर्वेशन चूंकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर आएगा, चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है इसलिए इसमें हम बीइंग लगाएंगे, और पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपका सी इसमें आपका सही आंसर है, ऑल द रिजर्वेशन आर बीइंग मेड बाय द ट्रेवल एजेंट। ही सेड टू द डेंटिस्ट आई हैव अ टूथएक, तो ये चीज इसमें पास्ट में है, ये प्रिंसिपल वर्ब पास्ट में है तो इसको आपको पास्ट में लिखना पड़ेगा, आई का ही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेंगे, हैव का हैड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड दैट द डेंटिस्ट, ही टोल्ड द डेंटिस्ट दैट ही हैड अ टूथएक, तो सी इसका सही आंसर आपका होगा। ये आपका क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट देखते हैं। द त्रिकोण आसन अ ट्राइंगल पोज स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ द इंटायर बॉडी एंड, अब देखिए इसमें भी वही ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि दो वर्ब इसमें जुड़ी हुई हैं, एंड यहाँ पर लगा हुआ है, और एंड से पहली वाली जो वर्ब है ये है स्टिमुलेट्स, यानी यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो ऐसी वर्ब आएगी जिसमें एस हो, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पर, तो सिंगुलर वर्ब है इसमें गिप्स, ठीक है, गिप्स इसमें आंसर होगा। द त्रिकोण आसन अ ट्राइंगल पोज स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ द इंटायर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स अ लेटरल साइड स्ट्रेच टू द स्पाइन, मतलब लेटरल साइड जो होता है स्ट्रेच का, स्पाइन का, उसको भी स्ट्रेच करता है त्रिकोण आसन। इट हेल्प्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में यह हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड एंग्जाइटी, प्रैक्टिस दिस आसन एवरी डे एंड यू विल, प्रैक्टिस दिस आसन एवरी डे एंड यू विल, विल के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें गेन, तो यहाँ पर आ जाएगा गेन। यू विल गेन स्ट्रेंथ इन द एंकल्स थाइज नीज हिप्स ऑल स्टैंडिंग पोजेज, पोजेज क्या है, नाउन है, नाउन कैसी है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पर, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस के, तो इसमें आ जाएगा आपका बी। ऑल स्टैंडिंग पोजेज बिल्ड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सो द मोर यू डू इट, द मोर यू डू इट, यहाँ पर चूंकि मोर आया है, कंपरेटिव डिग्री आई है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम कंपरेटिव डिग्री को ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटर, द मोर यू डू इट द बेटर योर स्टेमिना, मतलब जितना ज़्यादा आप इस आसन को करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टेमिना बढ़ती जाएगी। टू एंगेज रेगुलरली दैट, दैट के साथ क्या आता है, सो आता है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका सो, सो दैट यू गेट स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में यदि आप थोड़ी सी सिस्टमेटिक तरीके से अच्छी तैयारी करते हैं तो 90% तक आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, और स्टूडेंट करते हैं, और सेम इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन टीयर टू में आते हैं, ज़्यादा इस पर डिफरेंस नहीं रहता है। और आप यदि मेरा ई कोर्स ज्वाइन करते हैं और उसके सारे वीडियोज़ को आप देखते हैं और नोट्स बनाते हैं रेगुलरली, तो आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में, SSC के सभी एग्जाम्स में। तो अभी एक ऑफर चल रहा है मेरे ई कोर्सेज में, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता आप सभी SSC एग्जाम्स में आप सुनिश्चित कर सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन में पर्टिकुलरली आप हाईएस्ट स्कोर आप कर सकते हैं इस कोर्स की मदद से। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिए हैं, 7999 ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं।
तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो मेरे फ्री ब्लॉग्स examinee.in वेबसाइट पर आप जरूर पढ़ें और इनसे आप फ़ायदा उठाएं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।